टू फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. यहाँ पे ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है और उसके साथ हमारा सिंपल ट्रांसफर फंक्शन है. तो हम इसका जब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो इसको दो पार्ट्स में लिख लेंगे. एक में अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, दिस इज डेल्टा फंक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेस्ट ऑफ द फंक्शन. सपोज इट इज जीएस, तो आपका जो दूसरा फंक्शन है दैट इज 2s प्लस 7 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16, इसको हम जीएस ले लेते हैं. अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इस जीएस पे करना है, तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एंड इट इज जीटी. फिर इसके बाद आप फाइनल स्टेज में जी टी को टी माइनस 3 से रिप्लेस कर देंगे. तो आपका जी टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 3 एंड मल्टीप्लाइड विद यूनिट स्टेप दैट इज यू टी माइनस 3 दैट इज योर एफ टी. ओके, तो सबसे पहले स्टेप है जो रेस्ट ऑफ द फंक्शन है आपका उसका इनवर्स लैपलास फाइंड आउट करना. ओके, तो सपोज हावर जी एस हियर इज 2s प्लस 7 एस स्क्वायर प्लस 16. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके रूट्स कैसे हैं, प्लस माइनस 4g कॉम्प्लेक्स है और अनइक्वल है. दैट मीन्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो a और b की वैल्यूज as प्लस b, अगर उससे पार्शियल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि a b की वैल्यूज गिवन है, केवल आपको इसको साइन और कोसाइन के फॉर्मेट में चेंज करना है. तो हम यहां से हमें दिख रहा है ये कोसाइन का फॉर्मेट है, तो सबसे पहले इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए. एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 7 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16. ठीक है, तो ये 16 जो है इसको मैं लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, इसको यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. ओके, तो क्या होता है साइन एटी का फॉर्मूला, जो आपका साइन एटी है अगर आप इसका लैपलास लेंगे दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर आप कॉस एटी का लेंगे लैपलास तो इट इज एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये फॉर्मेट जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो राइट डाउन द इनवर्स दैट इज जी टी इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है एंड रेस्ट इज कॉस 4t. ओके, प्लस जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज द साइन 80, ये a डिवाइडेड बाय तो 4 आपका फोर्स ये हो जाएगा साइन 80. 80 इज a इज 4, 40 एंड 7 कॉन्स्टेंट ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय 4. ओके, दिस डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे आप 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड बनाने में तो यहाँ पे आपका 4 से डिवीजन हो जाएगा. अब हमें एफ टी फाइंड आउट करना है, तो जी टी माइनस 3 क्या होगा, दैट इज योर एफ टी. जी टी माइनस 3 दैट मीन्स टी की जगह हमें टी माइनस 3 लिखना पड़ेगा. ओके, तो 2 कॉस यू कॉस 4 टी माइनस 3 प्लस 7 बाय 4 साइन 4 टी माइनस 3, और इस ये है आपका जी टी माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद यू टी माइनस 3. इस पूरी टर्म को यू टी माइनस 3 से यूनिट स्टेप फंक्शन विद 3 यूनिट्स टाइम डिलेड से मल्टीप्लाई करना है एंड दिस इज योर एफ टी. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. जो आपका डेल्टा फंक्शन के को छोड़ के जो फंक्शन रेस्ट ऑफ द फंक्शन है उसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है और लास्ट में केवल ये माइनस 3 उस टी की जगह टी माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देना. थैंक यू.